पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट. सेवरल निमेटोड्स पैरासिटाइज अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग. अब इन्होंने कहा कि कुछ निमेटोड्स होते हैं जो क्या करेंगे, जो पैरासिटाइज करते हैं, मतलब वो पैरासाइट बनकर रहते हैं किसके अंदर, अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट, बहुत सारे प्लांट में और बहुत सारे एनिमल में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, मतलब हमारे अंदर भी वो रहते हैं निमेटोड्स. अ निमेटोड मिलियोटिका इन इनकॉग्निटा इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टोबैगो प्लांट एंड कॉज अ ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड. अब उन्होंने कहा एक निमेटोड है, क्या नाम है उसका, मिलियोटिका इन इनकॉग्निटा इन्फेक्ट, वो इन्फेक्ट करता है किसको, रूट्स को ऑफ टोबैको प्लांट. पूछा जाएगा बताओ टोबैको वाली प्लांट की किस जगह पे वो अफेक्ट करेगा, तो उसके जड़ों पे वो अफेक्ट करता है एंड कॉज अ ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड. उसकी वजह से उसकी जो पैदावार होती है टोबैको वाले प्लांट की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. अ नोवल स्ट्रेटजी वॉज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन विच वॉज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफ्रेंस RNAi. अब उन्होंने कहा कि एक नोवल स्ट्रेटजी, मतलब एक बहुत अच्छा स्ट्रेटजी यूज़ की गई थी ताकि इस इन्फेस्टेशन, मतलब ये जो इन्फेक्शन हो गया है, इससे बचने के लिए. अब वो किसके ऊपर बेस थी, RNA इंटरफ्रेंस के ऊपर बेस थी. अब इंटरफ्रेंस का मतलब क्या होता है, जैसे दो आदमी बात कर रहे हो, तीसरा आदमी बीच में आके बात करने लगे तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरफेयर करना, कि बीच में आके वो अड़ने लगा. तो उसी तरीके से एक बाहर से RNA आएगा, वो इंटरफेयर करने लगेगा, तो क्या बोलेंगे, RNA इंटरफ्रेंस. RNAi टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस. ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना, कि जो RNA इंटरफ्रेंस होता है ये लगभग सारे यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा. किस तौर पर होता है, सेलुलर डिफेंस के तौर पर होता है. जब सेल को अपने आप को महफूज करना होगा तो ये इस वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे. दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड टू एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ mRNA साइलेंसिंग. अब इन्होंने कहा कि देखो सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं वो समझनी ज़रूरी है. ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई RNA है, ठीक, RNA से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक. अब शर्त क्या है कि जो RNA है वो कैसा होना चाहिए, सिंगल स्ट्रैंड SS होना चाहिए, सिंगल स्ट्रैंड. अगर RNA है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर RNA DS है, मतलब कि डबल स्ट्रैंडेड है, दो स्ट्रैंड वाला RNA है, तो उसका ट्रांसलेशन नहीं होता, वो प्रोटीन में नहीं बनाएगा. जैसे कि समझो कि जब मिलियोटिका इन इनकॉग्निटा है, उसका RNA है, अगर हम उसके RNA सिंगल स्ट्रैंड वाले को कुछ भी करके डबल कर देंगे, जब वो डबल हो जाएगा तो वो ट्रांसलेशन नहीं करेगा, अपना प्रोटीन नहीं बना पाएगा. जब उसका प्रोटीन नहीं बनेगा तो वो प्लांट को बीमार नहीं कर पाएगा. तो हमें कुछ भी करके क्या करना है, इसके ट्रांसलेशन को रोकना है, इसे हमें साइलेंट करना है, साइलेंसिंग करनी है इसकी, कि कुछ भी करके इसका ट्रांसलेशन ना हो पाए. कुछ भी करने से क्या मतलब है, कि जो उसका RNA है उसे हम क्या करेंगे, डबल स्ट्रैंडेड कन्वर्ट कर देंगे उसे, उस वजह से उसका ट्रांसलेशन रुक जाएगा. ट्रांसलेशन रुक जाएगा तो फिर वो अपना मतलब प्रोटीन नहीं बना पाएगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो प्लांट इन्फेक्ट नहीं होगा. अब इन्होंने कहा कि दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA, कि इस मेथड में हम क्या करेंगे, साइलेंसिंग करेंगे. किसकी साइलेंसिंग करेंगे, mRNA की, कि ये जो ये जो इनकॉग्निटा है इसका जो mRNA है इसकी हम क्या कर देंगे, साइलेंसिंग कर देंगे. मतलब क्या करेंगे, ये ट्रांसलेशन अब इसका नहीं हो पाएगा. ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड्स टू, किस वजह से, क्योंकि एक कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA का मॉलिक्यूल हम प्लांट के अंदर डालेंगे, ये जो dsRNA है ये टूट के दो RNA बन जाएगा, उसमें से एक RNA इस वाले mRNA से जाके जुड़ जाएगा, ये जो mRNA था ये डबल स्ट्रैंड वाला हो जाएगा और इसका ट्रांसलेशन रुक जाएगा. इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला, साइलेंसिंग. तो साइलेंसिंग समझ लेना क्या होगा, कि इसके mRNA को किस में कन्वर्ट कर देंगे, dsRNA में कन्वर्ट कर देंगे, डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, तो डबल स्ट्रैंडेड का ट्रांसलेशन नहीं होता, तो वो क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा. द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग RNA जीनोम और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोजोन्स दैट रेप्लिकेट वाया एन RNA इंटरमीडिएट. अब इन्होंने कहा कि प्लांट के अंदर हम जो बाहर से dsRNA डाल लेते हैं, जो हम बाहर से कॉम्प्लीमेंट्री RNA डाल लेते हैं, वो हम कैसे डाल सकते हैं, या तो हम क्या करें, कोई वायरस से हम उसका इन्फेक्शन करा दें, और वो जो वायरस हो उसके पास कैसे जीनोम हो, RNA वाले जीनोम हो, मतलब जब ये वायरस उस प्लांट को ऊपर इन्फेक्ट करेगा तो अपना वाला RNA उसके अंदर डाल देगा, प्लांट के RNA के अंदर, ये प्लांट के सेल के अंदर ही अपना RNA डाल देगा. अब
ये वाला आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जो इनकॉग्निटा वाले आरएनए है उससे जाके जुड़ जाएगा। जब दो आरएनए आपस में जुड़ेंगे डबल स्ट्रैंड हो जाएंगे और जो उनका ट्रांसलेशन है वो रुक जाएगा, तो वो साइलेंट हो जाएंगे, साइलेंसिंग हो जाएगी। और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसफर जोन्स, या फिर हम मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसफर जोन्स होते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं दैट रेप्लीकेट वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट। इसकी एक शर्त है, कौन सा ट्रांसफर जोन हम यूज़ करेंगे, वो वाला यूज़ करेंगे जो किसके मदद किसके कैसे वो करता हो, रेप्लीकेट आरएनए इंटरमीडिएट के ये वो रेप्लिकेट करता हो। तो ट्रांसपोजोन्स याद रखना क्या होते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, मोबाइल का मतलब जो चल फिर सकती हूं। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट। अंडरलाइन कर लेना, पूछा जाएगा बताओ इसमें टू इनकॉग्निटा वाले डिजीज में हमने किस तरीके का वेक्टर इस्तेमाल किया था, तो किस तरीके का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा वाला, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशन वाला वेक्टर हम इस्तेमाल करेंगे। नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट, इसके जरिए हमने क्या करा, जीन्स को कहाँ डाल दिए, प्लांट के अंदर डाल दिए। द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए, हमने क्या डाला है, प्लांट के अंदर डीएनए डालेंगे। वाज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए, हमने प्लांट के अंदर डीएनए इस तरीके से डालेंगे कि वो दोनों तरीके का आरएनए बनाएगा, सेंस वाला भी और एंटीसेंस वाला आरएनए भी बनाएगा। सेंस वाला आरएनए वो होगा जो इनकॉग्निटा के आरएनए से जाके जुड़ जाएगा और उसको वो डीएसआरएनए में कन्वर्ट कर देगा। इन द होस्ट द टूज आर एन एज बिकम बींग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्म अ डबल स्टैंडर्ड डी एस आर एन ए दैट इनिशिएटेड आर एन ए इंटरफ्रेंस एंड दस साइलेंस द स्पेसिफिक एम आर एन ए। अब उन्होंने कहा कि ये जो हमने दो आर एन ए डाले थे ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, और उसके इंकॉग्निटा वाले से जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे, डी एस आर एन ए बना देंगे। जब डी एस आर एन ए बन जाएगा तो इनिशिएट शुरू हो जाएगा, क्या चीज़ शुरू हो जाएगी, आरएनए इंटरफ्रेंस शुरू हो जाएगी एंड दस साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए। उसकी वजह से क्या होगा कि जो स्पेसिफिक एमआरएनए है वो साइलेंट हो जाएगा। द कॉन्सिक्वेंस वॉज दैट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए। अब उन्होंने कहा था कॉन्सिक्वेंस, उसका जो नतीजा था वो ये था कि वो पैरासाइट जो इनकॉग्निटा है कुड नॉट सर्वाइव, वो जिंदा नहीं रह सकता इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट, ऐसे होस्ट में जो अपने अंदर क्या कर रहा हो, आरएनए इंटरफेरेंस शो कर रहा हो। द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट। अभी उन्होंने कहा कि ये जो प्लांट, जो ट्रांसजेनिक प्लांट जैसे जिनके साथ हमने छेड़छाड़ करी, बाहर से हमने जीन ऐड करा, ये अपना आप ही महफूज हो जाएगा उस वाले पैरासाइट से। फिर देखो कैप्शन में, अब बी वाली डायग्राम देखो, बी वाला कैप्शन देखना, बी वाले कैप्शन में इन्होंने लिखा है ट्रांसजेनिक प्लांट रूट्स 5 days आफ्टर डेलिबरेट इन्फेक्शन ऑफ नेमेटोड बट प्रोटेक्टेड थ्रू नोवल मैकेनिज्म। अब इन्होंने कहा कि जब इन्फेक्शन हुए हुए भी 5 दिन हो चुके थे, लेकिन प्लांट कैसा था, ट्रांसजेनिक प्लांट था, मतलब उसके जीन के साथ हम पहले ही छेड़छाड़ कर चुके हैं, तो 5वें दिन भी इसके ऊपर इतना असर नहीं हुआ जितने कि एक नॉर्मल वाले प्लांट के ऊपर हो गया था। अब आता है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, की जो दवाई वगैरह है उसमें बायोटेक्नोलॉजी उसका क्या एप्लीकेशन आती हैं। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैव मेड इमेंस इंपैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर बाय इनेबलिंग मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेराप्यूटिक ड्रग्स। अब इन्होंने कहा कि जो आरडीटी है उसके जो प्रोसेस हैड मेड इमेंस इफेक्ट, बहुत ज़्यादा असर डाला है उसने, कौन से वाले एरिया में, एरिया ऑफ हेल्थ केयर बाय इनेबलिंग, ताकि उस मतलब कैसे कि उसने अलाउ करा, किस चीज़ को अलाउ करा, मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेराप्यूटिक ड्रग्स की मास प्रोडक्शन, कि हमने बहुत सारे लार्ज स्केल की अमाउंट पे हमने क्या बनाए, सेफ और इफेक्टिव थेराप्यूटिक ड्रग्स बनाए, दवाइयों वाले हमने ड्रग्स बनाए। फर्दर द रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स एज इन केस ऑफ सम सिमिलर प्रोडक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन सोर्स। अब वो किसी बात कर रहे हैं, इंसुलिन की बात कर रहे हैं, कि अगर हम दो तरीके के इंसुलिन है, एक हम क्या करें कि किसी जानवर में से लेके अपने अंदर डाल देंगे, तो जब हम बाहर से लेके अंदर डालेंगे तो जो हमारे टी लिम्फोसाइट है वो पराए को और अपने को पहचान लेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, इम्यूनोलॉजिकल वाला रेस्पॉन्स आ जाएगा। लेकिन अगर हम इंसुलिन को बायोटेक के जरिए बनाएंगे तो उसकी वजह से इम्यून रेस्पॉन्स नहीं आएगा। तो इसके एक फ़ायदा होता है कि अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स जो होते हैं वो नहीं आएंगे। एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज द वर्ल्ड ओवर। इन इंडिया द 12 ऑफ दीज आर प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड। अब इन्होंने कहा आज के टाइम में पूरी दुनिया में कितने ऐसे ड्रग्स हैं जो हमने रिकॉम्बिनेंट इसके आरडीटी के जरिए बनाए हैं, तो वो 30 हैं, वो ह्यूमन यूज के लिए अप्रूव हो चुके हैं। इन इंडिया 12 ऑफ दीज आर प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड, टोटल 30 हैं, 30 में से 12 जो हैं वो इंडिया में अवेलेबल हैं मार्केट में बिकने के लिए। मैनेजमेंट, ठीक, 12.2.1 जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल।
अब उन्होंने कहा कि जब अडल्ट को डायबिटीज़ हो जाती है इज़ पॉसिबल, मतलब उसको हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कैसे, कि अगर हम इंसुलिन को टाइम टू टाइम लेते रहें। वट वुड अ डायबिटिक पेशेंट डू इफ इनफ ह्यूमन इंसुलिन वॉज नॉट अवेलेबल। अब इन्होंने कहा कि अगर जितनी पेशेंट को इंसुलिन चाहिए या जितनी ह्यूमन की डिमांड है पब्लिक में, मार्केट में डिमांड होती है इंसुलिन की, अगर उतनी इंसुलिन अवेलेबल ना हो तो क्या होगा। इफ़ यू डिस्कस दिस यू वुड सोन रियलाइज दैट वन वुड हैव टू आइसोलेट एंड यूज इंसुलिन फ्रॉम अदर मार्केट। अब हम इसके बारे में डिस्कस करें, बातचीत करें, तो हमें इस चीज़ का एहसास हो जाएगा, तो हमें मजबूरी में आके क्या करना पड़ेगा, एनिमल्स में से इंसुलिन निकालना पड़ेगा और उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। वुड द इंसुलिन आइसोलेटेड फ्रॉम अदर एनिमल बी जस्ट एज इफेक्टिव एज दैट सिक्रेटेड बाई ह्यूमन बॉडी इट्सेल्फ, एंड वुड इट नॉट अन एलिसिट अन इम्यून रिस्पॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी। अब उन्होंने कहा कि अगर हम जो एनिमल में से निकाल के हम इस्तेमाल करने लगे, क्या वो उतनी ही असरदायक होगी, उतनी ही इफेक्टिव होगी जितनी कि हमारी ह्यूमन बॉडी खुद बनाती है, और क्या उसकी वजह से कोई इम्यून रिस्पॉन्स हमारे अंदर नहीं आएगा। नाउ इमेजिन इफ अ बैक्टीरियम वर अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन। अब इन्होंने कहा कि इमेजिन करो कि कोई बैक्टीरिया ऐसा आज मिल जाए जो ह्यूमन का इंसुलिन बनाता रहे। सडनली द होल प्रोसेस बिकम सो सिंपल। तो जो पूरा प्रोसेस था वो अब सिंपल हो गया, अब हमें किसी के जानवर से भी कहीं से हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। You can easily grow a large quantity of bacteria and make as much insulin as you need. अब हम क्या करेंगे कि बहुत सारे अमाउंट में उस बैक्टीरिया को ग्रो करा सकते हैं और जितनी इंसुलिन चाहिए हम उतनी ही ले सकते हैं। अब इन्होंने कहा थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड टू अ डायबिटिक पीपल और नॉट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्या हम इंसुलिन को ओरली मतलब खा पी के सकते हैं या फिर नहीं, इंजेक्शन के जरिए ही क्यों लेते हैं, क्योंकि वो क्या है एक प्रोटीन है, स्टोमक में जाएगी तो पेप्सिन जो होगा वो उसे डाइजेस्ट कर देगा, वो उतना असर अपना काम नहीं कर पाएगी क्योंकि पेट में क्या है बहुत सारे एंजाइम है उसको वो ख़त्म कर देंगे। इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज वॉज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स। अब इन्होंने कहा कि जो इंसुलिन डायबिटीज़ के लिए पेशेंट वाले के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वॉज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड, पहले कहाँ से एक्सट्रैक्ट होते थे, कहाँ से निकालते थे, पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग्स। स्लॉटर्ड का मतलब होता है काटना, कि जो कैटल गाय भैंस वगैरह या जो पिग्स वगैरह जिन सबको भी हम काट देते थे उनकी पिग्स उनकी पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता था। इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स दो कॉज सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी और अदर टाइप ऑफ रिएक्शन टू द फॉरन प्रोटीन। अब उन्होंने कहा कि जो इंसुलिन होगा वो जो हमने एनिमल सोर्स से लिया वो कुछ पेशेंट के अंदर क्या कर देता था, एलर्जी कर देता था या फिर उसकी रिएक्शन हो जाती थी कुछ प्रोटीन से। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स चेन ए एंड चेन बी दैट आर लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। अब उन्होंने कहा कि जो इंसुलिन है उसमें दो छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन की चेन होती हैं, चेन ए और चेन बी, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई होती हैं किसके जरिए, डाइसल्फाइड ब्रिजेस के जरिए। इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन इंसुलिन इज सिंथेसाइज एज अ प्रो हार्मोन लाइक अ प्रो एंजाइम। द प्रो हार्मोन ऑल्सो नीड टू बी प्रोसेस बिफोर इट बिकम फुल्ली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। अब इन्होंने कहा कि जो मैमल्स वगैरह जैसे कि हम सब हैं, चाहे कि हम ह्यूमंस की ही बात करें अपनी ही बात करें, तो हमारे अंदर जो इंसुलिन बनेगी वो किसके तौर पर बनती है, प्रो हार्मोन के तौर पर बनेगी। प्रो हार्मोन का मतलब क्या है कि अब इसे प्रो हार्मोन से हार्मोन में कन्वर्ट होने के लिए या फिर इसे अपने काम करने वाली स्टेट में आने के लिए प्रोसेसिंग के जरिए ग्रो मतलब प्रोसेसिंग के अंडरगो करना पड़ेगा, इसके अंदर थोड़े बहुत हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि ये प्रो हार्मोन किस में कन्वर्ट हो जाए, अब फुली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन में कन्वर्ट हो जाए। अब इन्होंने कहा विच कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड सी पेप्टाइड। प्रो हार्मोन की क्या खासियत है कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चेन होती है, क्या नाम है इस चेन का, सी पेप्टाइड वाली चेन है, मतलब सी पेप्टाइड वाली एक ऐसी चेन है जो प्रो हार्मोन में तो प्रेजेंट होगी लेकिन जो हार्मोन है उसके अंदर नहीं होगी, काम करने वाले के अंदर नहीं होगी। द सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन एंड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। अब उन्होंने कहा कि ये जो सी पेप्टाइड है ये कहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी, मैच्योर वाले इंसुलिन के अंदर नहीं होगी एंड इज रिमूव्ड, अब हम उसे रिमूव कर देंगे, कब रिमूव कर देंगे, ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। जब ये प्रो इंसुलिन किस में कन्वर्ट होगी, इंसुलिन में कन्वर्ट होगी, उस टाइम पे क्या होगा कि एक जो सी चेन है वो हट जाएगी। The main challenge for production of insulin using rDNA techniques was getting insulin assembled into a mature form. अब इन्होंने कहा कि जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था वो क्या चैलेंज था कि हम इंसुलिन को इस तरीके से बनाएं और हम rDNA की टेक्नोलॉजीज इस तरीके टेक्निक्स इस तरीके से मतलब यूज़ करें कि हम इंसुलिन जो बनाएं वो कौन से वाली फॉर्म में बने, मैच्योर वाली फॉर्म में बनाएं, इमैच्योर वाली फॉर्म में या प्रो इंसुलिन वाली फॉर्म में ना बनाएं।
इन 1983 एली लिली एन अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर टू डीएनए सीक्वेंसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस देम इनटू ईकोलाई इनटू द प्लाज्मिड ऑफ ईकोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन। अब इन्होंने कहा 1983 में एली लिली एक कंपनी थी, कहाँ की कंपनी थी, अमेरिका की। उन्होंने क्या करे, दो डीएनए के सीक्वेंस बनाए। वो दो डीएनए के सीक्वेंस ऐसे थे, पहले वाले सीक्वेंस से ए वाली चेन बनती है और बी वाले सीक्वेंस से, दूसरे वाले सीक्वेंस से बी वाली चेन बनेगी। उन दोनों सीक्वेंस को हमने इन्होंने कहाँ डाल दिया, ईकोलाई वाले बैक्टीरिया के उसके प्लाज्मिड में डाल दिया। अब ये जो ईकोलाई है ये क्या करने लगा था, इंसुलिन की चेन बनाने लगा था। पहला वाला जो बैक्टीरिया था वो ए चेन बना रहा था और दूसरा वाला बी चेन बना रहा था। तो ये जो दोनों की चेन ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली, दोनों की जो चेन थी वो अलग अलग बन रही थी। ए वाली चेन अलग ईकोलाई में बन रही थी और बी वाली चेन अलग ईकोलाई में बन रही थी। एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाई क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। अब हमने क्या करा, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, ईकोलाई से हमने बाहर निकाल ली। बाहर निकालने के बाद कंबाइंड दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के साथ साथ जोड़ा कैसे, बाई क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड। उन दोनों के बीच में हमने एक बॉन्ड बनाया, क्या नाम है उन बॉन्ड का, डाइसल्फाइड बॉन्ड। डायग्राम में दिखा रखे हैं इन्होंने, एस और एस करके बॉन्ड इन्होंने दो दिखा रखे हैं। तो ये कौन से बॉन्ड है, डाइसल्फाइड वाले बॉन्ड है। ए और बी वाली चेन जो होगी वो मैच्योर वाले इंसुलिन में प्रेजेंट होगी, लेकिन जो सी वाली चेन है वो प्रेजेंट नहीं होगी। अब उसके बाद आता है जीन थेरेपी। इफ अ पर्सन इज बॉर्न विद अ हेरिडिटरी डिजीज कैन अ करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच अ डिजीज। अब इन्होंने कहा अगर कोई आदमी है वो जन्म के साथ ही उसे कोई बीमारी है, क्या हम कोई ऐसी थेरेपी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इस बीमारी को ठीक कर सकें। जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस। इस काम को करने के लिए क्या है, एक जीन थेरेपी एक अटेम्प्ट है। जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड, अंडरलाइन कर लेना, जीन थेरेपी क्या है, कलेक्शन ऑफ मेथड। मतलब जीन थेरेपी के अंदर ही बहुत सारे मेथड्स आएंगे। That allow correction of a gene defect that has been diagnosed in a child/embryo. इसके अंदर क्या होगा कि जो जीन का डिफेक्ट, ठीक किसकी बात कर रहा है, जीन डिफेक्ट मतलब कोई जीन है उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, उसको हम ठीक कर सकते हैं। Has been diagnosed, उसको हमें पहचानना पड़ेगा जीन डिफेक्ट को, कहाँ पर पहचानना पड़ेगा, या तो हम किसी बच्चे में पहचानेंगे या फिर एम्ब्रियो में। Here genes are inserted into person cells and tissue टू ट्रीट अ डिजीज। अब इन्होंने कहा अगर किसी के जीन खराब हो गए तो हम बाहर से सही वाले जीन जो होंगे उसके पर्सन के उसके सेल में डाल देंगे या फिर टिश्यू में डाल देंगे ताकि जो उसे बीमारी हो गई है वो ठीक हो जाए। करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन्स इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन एंड कॉम्पनसेट फॉर नॉन फंक्शनल जीन। अब इन्होंने कहा कि जो हम जीन डिफेक्ट को ठीक कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, इन्वॉल्व्स इसमें क्या चीज़ होगी, डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन। हमें क्या करना पड़ेगा, उसके सेल के अंदर या फिर जो एम्ब्रियो है या जो वो बच्चा भी पेट में है उसके अंदर हमें क्या करने पड़ेंगे, नॉर्मल वाले जीन्स डालने पड़ेंगे टू टेक ओवर द फंक्शन एंड कॉम्पनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। कि वो जो जीन सही तरीके से काम नहीं कर रहा उसके फंक्शन को ये ओवरटेक कर लेगा, काम अभी वाला जो हम बाहर से जीन डाल रहे हैं वो काम करेगा, या वो जो भी गड़बड़ कर रहा है उसको वो कॉम्पनसेट करेगा, उसकी भरपाई कौन करेगा, जो जीन हमने बाहर से डाला। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1992 अ 4 year ओल्ड गर्ल्स विद एडेनोसाइन डीएमएनएज डिफिशेंसी। अंडरलाइन कर लो, जो सबसे पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी दी थी वो कब दी गई थी, 1990 में। किसे दी गई थी, एक 4 साल की लड़की थी। क्या डिजीज थी उसके अंदर, एडेनोसाइन डीएमएनएज एडीए डिफिशेंसी। उसके अंदर एक जीन है एडेनोसाइन डीएमएनएज, वो नहीं पाया जाता, मतलब ये एक एंजाइम है वो नहीं पाया जाता। अब इन्होंने कहा कि ये एंजाइम करता क्या है, दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। ये जो एंजाइम है इसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम है किसी भी का भी वो सही तरीके से काम करता है। द डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑफ द जीन फॉर एडिनोसाइन डी एमिनेज। देखो बहुत सारे तरीके के जीन डिफेक्ट होते हैं। पहला क्या होता है, म्यूटेशन। म्यूटेशन में क्या होगा, ए टी जी सी था तो टी के बदले यू आ गया, ए यू जी सी, तो जीन बदल गया तो प्रोटीन बदल जाएगा, पूरा काम बदल जाएगा, ये क्या होता है म्यूटेशन। दूसरा क्या होता है डिलीशन। डिलीशन में क्या होगा कि जो जीन है वो पूरा का पूरा डिलीट हो गया, ए टी जी सी, अब क्या बचा, ए जी सी, जो टी वाला है वो पूरा का पूरा जीन डिलीट हो गया। तो इन्होंने कहा कि जो डिसऑर्डर है, ये जो बीमारी है, इसमें क्या होगा कि जो एडेनोसाइन डीएमिनोज को बनाने वाला जीन था वो जीन डिलीट हो जाएगा। इन सम चिल्ड्रन एडीए डिफिशियंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अब इन्होंने कहा कि जब बच्चा बड़ा हो गया, चिल्ड्रन हो गया, मतलब पैदा हो गया, वो डिलीवरी हो चुकी है उसकी, हमें उसके बाद उसकी बीमारी के बारे में पता चला, तो अब जब हम उसका इलाज कर पाएंगे तो कैसे करेंगे कि एडीए डिफिशियंसी, अब जो उसमें एडीए की कमी हो रही है, कैन बी क्योर्ड, उसका हम इलाज कर सकते हैं। कैसे इलाज कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। कि अगर कोई आदमी है वो उसकी बोन मैरो बिल्कुल सही है, उसके अंदर वाली बीमारी नहीं है, तो उसके अंदर से हम बोन मैरो लेंगे और इस बच्चे के अंदर डाल देंगे, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे। इन अदर वर्ड इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी। जो दूसरी थ्योरी है वो क्या है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी।
एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कब होगी? चिल्ड्रन में ही होगी, मतलब वो पैदा हो चुका है उसके बाद बीमारी का पता चला। इन विच फंक्शनल एडीए एंजाइम इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन, इसमें हम क्या करेंगे कि टाइम टू टाइम उसको हम इंजेक्शन लगाते रहेंगे कि उसके अंदर जो एंजाइम नहीं बनना है एडीए, हम बाहर से उसे बना बनाया एंजाइम देते रहेंगे, काम उसका चलता रहेगा। बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोच दैट दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव। अंडरलाइन कर लो कि ये जो दोनों दिक्कत है, ये जो हमने दोनों तरीके इस्तेमाल करें, इन दोनों तरीकों में एक ही दिक्कत है कि पूरी तरीके से इलाज नहीं है, कि ये जो एंजाइम का हम इंजेक्शन लगा रहे हैं या तो उसे हर 50 दिन में या हर 20 दिन में उसे लगते रहेंगे, या जो उसका ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है हर तीसरे या चौथे साल में होता रहेगा। एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड जीन थेरेपी, अब यहाँ से क्या शुरू हो रही है, जीन थेरेपी शुरू हो रही है मेन वाली। लिम्फोसाइट फ्रॉम ब्लड्स, लिम्फोसाइट क्या, वाइट ब्लड सेल्स, WBC, नहीं वो मतलब WBC एक कैटेगरी होती है, एक लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। हम क्या करेंगे, ब्लड में से लिम्फोसाइट लेंगे पेशेंट के, आर ग्रोन इन अ कल्चर आउटसाइड, एक बाहर हम कल्चर में ट्रे में उसे ग्रो कराएंगे। अब फंक्शनल ADA-cDNA, उसके अंदर हम एक एंजाइम डालेंगे, कौन सा, ADA-cDNA यूजिंग रेट्रोवायरल वैक्टर, अंडरलाइन कर लो रेट्रोवायरल वैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी समझेंगे रेट्रोवायरल वैक्टर होता क्या। इज देन इंट्रोड्यूस इनटू दिस लिम्फोसाइट, हमने क्या करा, एक वेक्टर की मदद ली, वेक्टर क्या करता है किसी भी जीन को किसी दूसरे के अंदर डालने में कौन मदद करता है, वेक्टर मदद करता है, हमने क्या डाला ADA-cDNA डाला, किसकी मदद से, रेट्रोवायरल वेक्टर की मदद से डाला इन लिम्फोसाइट के अंदर, विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट, और इन लिम्फोसाइट को हमने कहाँ डाल दिया, दोबारा से पेशेंट के अंदर डाल दिया। अब हर चीज़ को मरना है, इनको भी मरना है लिम्फोसाइट को, तो ये 40 दिन 100 दिन 50 दिन के बाद ये लिम्फोसाइट मर जाएंगी, तो ये जो हमने काम करा ये हमें काम दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा उसकी लिम्फोसाइट बाहर लेंगे, दोबारा ADA-cDNA डालेंगे और उसके बाद दोबारा उसके अंदर डालेंगे, फिर 100 दिन के बाद ये साइकिल हमें दोबारा करनी पड़ेगी। However, as these cells are not immortal, अब ये जो सेल है ये इमोर्टल नहीं है, मतलब ये कभी ना कभी मर जाएंगे। The patient require periodic infusion of such genetically engineered lymphocyte. तो जो पेशेंट है उसे रिक्वायर होगा क्या, periodic infusion. टाइम टू टाइम पे उसे दोबारा से इन्फ्यूजन चाहिए, इन सब चीज़ों के उसे इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, किसकी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट, ऐसे लिम्फोसाइट जिनके साथ हमने जेनेटिकली इंजीनियरिंग, मतलब जिसके अंदर हमने एक जीन अपनी तरफ से बाहर से डाल दिया। However, if the gene isolate from marrow cells producing ADA is introduced into cells at early embryonic stage, it could be a permanent cure. इस बीमारी का permanent इलाज सिर्फ और सिर्फ एक है, वो क्या है कि जब ये embryonic stage में था, जब ये माँ के पेट के अंदर था, हम क्या करें, किसी आदमी के bone marrow के cells में से ये वाला जीन निकाल लें, जिस जीन से क्या बनना है, ADA बनना है, और इस जीन को हम कहाँ डाल दें, इसके सेल के अंदर डाल दें embryonic वाली स्टेज में, तो काम हो जाएगा, तो ये क्या होगा, परमानेंट क्योर। देखो रेट्रोवायरल वेक्टर के एग्जांपल लिख लो, एक आता है HIV, मतलब ये एक वेक्टर नहीं है लेकिन जो HIV है वो भी किसका केस है, वो भी किसका केस है, रेट्रोवायरल वेक्टर का केस होता है। उसके साथ जो राइनोवायरस वाला केस है, राइनोवायरस भी कहाँ पर यूज़ होता है, मतलब जो राइनोवायरस है जिसकी वजह से नज़ला होता है, कॉमन कोल्ड होता है, वो भी क्या है, वो भी एक रेट्रोवायरल वाला वायरस है। तो ये अगर हम चाहें तो इन्हें वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइनोवायरस को तो यूज़ कर सकते हैं, HIV को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वजह से बीमारी हो जाएगी। एक तो HIV वाला जो वायरस है वो भी रेट्रोवायरल है। उसके अलावा जो राइनोवायरस होता है जिसकी वजह से कॉमन कोल्ड होता है, जिसकी वजह से नज़ला होता है, वो भी क्या होता है, वो भी क्या है, एक रेट्रोवायरल वेक्टर है। अब देखो उसके बाद इन्होंने लिखा है cDNA, क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे ख्याल से, या फिर NCERT एग्जाम्पलर में लिखा हुआ है कि cDNA क्या होता है। वो DNA जो किसकी वजह से बनेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, किसकी वजह से बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से बनेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, cDNA। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है पहले ये समझो, जब DNA किस में कन्वर्ट होता है, RNA में, उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन। जब RNA से कोई DNA घूम के बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जब कोई DNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की वजह से बनता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, cDNA। ठीक, दोबारा समझ लो, देखो DNA से क्या बनता है, RNA बनता है, DNA से जब RNA बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब RNA से घूम के उल्टा DNA बनेगा तो क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हमें कहाँ देखने को मिलता है, रेट्रोवायरस के अंदर हमें देखने को मिलता है, रेट्रोवायरल के अंदर देखने को मिलता है। किस किस में देखने को मिलेगा, राइनोवायरस में देखने को मिलेगा और HIV के अंदर हमें देखने को मिलेगा। cDNA ये खुद बनाते हैं, जैसे रेट्रोवायरस है HIV वगैरह, ये खुद बनाता है, राइनोवायरस है ये खुद बनाता है cDNA। RNA से जब DNA बनता है तो उस DNA को cDNA बोलते हैं। देखो
डीएनए से आरएनए बनना है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। जो आरएनए है उस आरएनए से जो वायरस है वो डीएनए बना रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीडीएनए बोलेंगे, उसका जो नाम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से बनता है एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, हाँ उल्टा हो रहा है, ठीक। अगला आता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब उन्होंने कहा कि अगर हमें किसी बीमारी का क्या करना है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अर्ली डायग्नोसिस, कि हम कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी हम उस बीमारी को पहचान लें, एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी, और जो उसकी पैथोफिजियोलॉजी है उसको हम समझ सकें। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस सीरम एंड यूरिन एनालिसिस अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। कन्वेंशनल मेथड जो पुराने तरीके चलते हुए आ रहे हैं कि सीरम की स्टडी कर ली या यूरिन का एनालिसिस करा लिया, इनके जरिए हम अर्ली डिटेक्शन नहीं कर सकते। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज अंडरलाइन कर लेना, आरडीटी सबसे पहली, आरडीटी सेकंड वाली है पीसीआर, आरटीपीसीआर जैसे कोविड के टाइम पे हो रही थी, और उसके बाद क्या है एलिजा, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, आर सम ऑफ द टेक्निक दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। अगर हमें अर्ली डायग्नोसिस करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मतलब क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, आरडीटी यूज़ कर सकते हैं, पीसीआर यूज़ कर सकते हैं, और एलिजा भी यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन बैक्टीरिया वायरस एक्सेट्रा इज नॉर्मली suspected only when the pathogen has produced a disease symptom। अब ज़्यादा अगर जब हम सोचते हैं कि इसके अंदर भैया के अंदर कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है, वो हमें कब इस बात का सस्पेक्शन होगा, कब हमें शक होगा, कि जब उसके बॉडी के अंदर क्या आएंगे डिजीज़ के सिम्टम, मतलब जब उसके अंदर बॉडी के अंदर कोई ना कोई लक्षण आने लगेंगे, तो हम सोचेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर क्या चला गया हो, कोई पैथोजन चला गया हो, कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस चला गया हो। By this time, the concentration of pathogen is already very high in the body। जिस टाइम पे सिम्टम्स आते हैं, जिस टाइम पे लक्षण आते हैं, उस टाइम पे बॉडी के अंदर जो पैथोजन का अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। However, very low concentration of bacteria or virus at the time when the symptoms of the disease are not yet visible can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR। अब उन्होंने कहा कि अगर जब बॉडी को ही कोई लक्षण नहीं आ रहे उस टाइम पे भी हम इसके अंदर कोई बैक्टीरिया है या वायरस है इस चीज़ को हम पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं, एम्पलीफिकेशन मतलब हम उसके नंबर बढ़ा सकते हैं, किसके नंबर बढ़ा सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड का। इसलिए कोविड के टाइम पे कौन सी रिपोर्ट मानी जा रही थी, आरटीपीसीआर वाली, क्योंकि अगर आदमी को लक्षण भी नहीं है तो आरटीपीसीआर से पता चल जाता था कि भैया कोविड है या फिर नहीं है, क्योंकि वो क्या करता था उसके न्यूक्लिक एसिड के वायरस को मल्टीप्लाई करके पहचान लेता था। कैन यू एक्सप्लेन हाउ पीसीआर कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए, क्या हम समझा सकते हैं कि जो पीसीआर है वो किस तरीके से डीएनए के बहुत कम अमाउंट को पहचान सकता है, तो उसमें पीसीआर वाले तीनों स्टेप आ जाएंगी, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन वाली। पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। अंडरलाइन कर लो, पीसीआर का भी इस्तेमाल किया जाता है डिटेक्टेड पहचानने में, किसको पहचानने में, एचआईवी में, इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट, कि वो जिन पे हमें शक हो कि हाँ ये एड्स के शिकार हो सकते हैं। इट इज बीइंग यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट टू। अगर कोई पेशेंट है कैंसर का, उसके अंदर अगर किसी जीन में तब्दीली आई है तो हम उसको भी पहचान सकते हैं किसके जरिए, पीसीआर के जरिए। इट इज़ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मैनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर, ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है, इसके जरिए हम दूसरे जेनेटिक डिसऑर्डर भी पहचान सकते हैं। किसकी बात चल रही है, पीसीआर की। कहाँ कहाँ इसका जिक्र आया, एक तो एड्स पेशेंट में, दूसरा अगर म्यूटेशन आ गया, जीन में छेड़छाड़ हुई, जीन डिलीट हो गई, जीन चेंज हो गया, इस तरीके के कुछ भी चेंज हुए तो उसको हम पहचान सकते हैं, कैंसर वाले पेशेंट की बात चल रही थी। उसके अलावा अगर बंदे को किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसके लक्षण अभी नहीं आए, आगे जाके बाद में आ सकते हैं, तो उसको भी पहचान सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है 2020 में, या तो 20 का था या फिर 20 का ही था बल्कि। अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब इज अलाउड टू हैव, अच्छा ठीक, सबसे पहले प्रोब बताया इन्होंने, प्रोब की डेफिनेशन दी। प्रोब क्या है, सिंगल स्ट्रैंड, मतलब या तो सिंगल स्ट्रैंडेड वाला डीएनए होगा या सिंगल स्ट्रैंडेड वाला आरएनए होगा, टैग विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। हमने इसे जोड़ दिया, किसके साथ जोड़ दिया, एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ इसे जोड़ दिया, तो हम इस पूरे चीज़ को क्या बोलेंगे, प्रोब। तो प्रोब क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए, जिसे हम जोड़ दें, किसके साथ जोड़ दें, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ जोड़ दें। इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, अब जो उसका अपोजिट वाला डीएनए है उसे हम हाइब्रिडाइज करने के लिए, जुड़ने के लिए इसे अलाउ कर देंगे इन अ क्लोन ऑफ सेल्स बाय डिटेक्शन यूजिंग रेडियो ऑटो रेडियोग्राफी। अब बाद में हम उसे डिटेक्ट करेंगे, किसके जरिए डिटेक्ट करेंगे, यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी के जरिए डिटेक्ट करेंगे, बल्कि अभी का क्वेश्चन था ये 2021 का। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन
विल नॉट अपियर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, इस लाइन से क्वेश्चन था कि बताओ जो म्यूटेटेड जीन है वो फिल्म के ऊपर आता है या फिर नहीं आता। तो इन्होंने कहा कि वो क्लोन, मतलब वो डीएनए जिसके अंदर कोई भी जीन में छेड़छाड़ हो जाएगी, तो वो जीन कहाँ पर नहीं आएगा, वो हमें फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर नहीं दिखेगा। बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटरिटी विद द म्यूटेटेड जीन, क्योंकि जो प्रोब है उसके पास वाले जीन नहीं होंगे जो नॉर्मल वाले जीएनए के अंदर चेंज हो गए, जो म्यूटेट हो गए। एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन्स ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। अब इन्होंने कहा कि जो एलिसा है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, शायद आ चुकी है कि जो एलिसा है बताओ वो किस चीज़ के ऊपर बेस करेगा, बेस्ड होता है कि जो एंटीजन्स होते हैं, एंटीजन मतलब एंटीबॉडी बनाने वाला, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं इस चीज़ के ऊपर बेस होता है कौन, एलिसा। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन्स प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब इन्होंने कहा कि जो पैथोजन है वो जो अपना इन्फेक्शन कर रहा है या जो इन्फेक्शन किसी पैथोजन की वजह से हो रहा है, उस पैथोजन को पहचानने का जो तरीका है वो क्या है कि अगर हम एंटीजन को पहचान लें, हमें ये पता चल जाए कि अगर बॉडी के अंदर एंटीजन है तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ इसकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई पैथोजन होगा। एंटीजन क्या क्या हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है या ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकता है। जैसे बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया गया, उसने बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या बनाया, कुछ प्रोटीन्स बनाए, उस प्रोटीन की वजह से हमें हम बीमार पड़ रहे हैं। अब ये जो प्रोटीन है हमारे जो वो लिम्फोसाइट होंगे वो पहचान लेंगे कि अपना और पराया, तो ये पराया है इसे पहचान लेंगे, पराया है पहचानने के बाद वो क्या बनाने लगेंगे, एंटीबॉडीज बनाने लगेंगे। तो ये जो प्रोटीन है ये किसकी तरह काम करेगा, एंटीजन की तरह काम करेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में आने के बाद ये क्या बनवा रहा है, एंटीबॉडी बनवा रहा है। और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन, या फिर हम ब्लड की जांच करेंगे, जांच में ये देखेंगे क्या कोई हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज है इस टाइम पे या फिर नहीं है। अगर हमें पता चल गया ये एंटीबॉडी है तो जाहिर सी बात है बॉडी के अंदर कोई ना कोई पैथोजन बैक्टीरिया वगैरह होगा। ठीक,